जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग सुधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता, उनके लिए भी सुधा नाम का स्मरण। महाराज सुधा नाम का स्मरण, दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था सुधा। सुधा का जन्म लेते ही सुधा श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। कोई वस्त्र अगर सुधा पहन रही है तो श्वेत वस्त्र धारण कर रही। एक दिन माता प्रसूति ने सुधा को बुलाया, सुधा आप इधर आओ। सुधा आई। हाँ मामा,